Assalamu alaikum everyone. Once again, welcome back to my YouTube channel. Hope so yours are pretty fine and fantastic. Guys, I'm going to teach you today the very important, very fantastic lecture to you all. आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लॉज और फ्रेज. अक्सर हम परेशान होते हैं कि फ्रास जो जो क्लॉज होता है, जो फ्रेज होता है, वो क्या होता है. डू नॉट टू वरी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल हियर. ओके, आज हम सीखेंगे कि क्लॉज क्या होता है और फ्रेज क्या होता है. ये लास्ट तक वीडियो देखिएगा गाइस, बहुत मजा आएगा. लेट्स सी. आप सबको पता है कि ये जो क्लॉज होता है, क्लॉज भी हम अगर कहेंगे, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपने सेंटेंस से सुना होगा, क्लॉज इस तरीके ग्रुप ऑफ वर्ड्स. उसके बाद ये भी आपका होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेज भी आपका होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है स्टूडेंट्स, क्लॉज का मकसद होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो इनमें डिफरेंस क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा. क्लॉज वो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो Having subject and verb combination, but इसमें group of words हो, but इसमें आपका subject और verb होना चाहिए. ठीक है, तो आप कह सकते हैं having subject and verb combination means इसमें आपका इस group of words में subject और verb का आपस में combination होना चाहिए. means कोई भी सेंटेंस है उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अगर उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट और वर्ब है तो वो हो जाता है आपका क्लॉज. इसका मकसद देता है फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नो सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, बट इसमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन ना हो तो वो आपका फ्रेज होता है. ठीक है, तो आप कह सकते हैं हैविंग नो सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन मीन्स इसमें आपका कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए. मीन्स सपोज कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में आपका अगर सब्जेक्ट और वर्ब है तो वो आपका क्लॉज होता है. कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर वहां पर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो वो आपका फ्रेज होता है, वो आपका कभी भी क्लॉज नहीं होता, वो आपका कभी भी सेंटेंस नहीं होता. मिसाल के अगर मैं कहूँ कि आई टॉक टू हिम, मैं से बात करता हूँ, अब यहाँ पर सब्जेक्ट बिल्कुल आई और टॉक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आ गया, मीन सब्जेक्ट और वर्ब है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया क्लॉज. क्या हो गया आपका? ये क्लॉज हो गया, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब. फ्रेज क्या होता है? अगर मैं कहूंगे इन द कार, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कोई यहां पर सब्जेक्ट कार में, कोई भी यहां पर सब्जेक्ट वर्ब नहीं है तो यह आपका फ्रेज हो गया. ठीक है, इन द कार, या अगर इसको हम कहते हैं इन द कार प्रीपोजिशनल फ्रेज. ठीक है, या अगर मैं कहूं कि अब आए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वर्ड्स हैं, यहां पर कोई भी सब्जेक्ट वर्ब नहीं है तो ये आपका फ्रेज हो गया. इसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं. क्या कहते हैं? हम नाउन फ्रेज कहते हैं. अगर मैं कहूं कि शी, अगर मैं कहूं कि शी प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन हो गया तो ये आपका क्या हो गया? क्लॉज. तो यही होता है कि जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग स्टूडेंट्स, क्लॉज वो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, फ्रेज वो होता है हैविंग नो सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन. इन द कार, अ बॉय, ब्यूटिफुल कार, गॉट दैट? तो दिस इज कॉल्ड क्लॉज एंड दिस इज कॉल्ड फ्रेज. गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. में उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को बिल्कुल पसंद किया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब दिस वीडियो गाइस. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.